हर हर गंगे नमामि गंगे। आज आपको हरिद्वार हर की पैड़ी का ताज़ा दृश्य दिखाने वाला है। यहाँ पे मौज मस्ती भी कुछ लड़के कर रहे हैं और भीड़ आज बहुत कम है। जैसे कि आज संडे है तो संडे के दिन यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ आती है। और मौसम जो आज पूरा साफ है, आज गर्मी बहुत है तो शायद इसलिए जो है श्रद्धालु कम आए हैं यहाँ गंगा में नहाने के लिए। लेकिन फिर भी जो है डुबकी लगाने वालों की कमी नहीं है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री गंगे। तो चलिए आपको आज हर की पौड़ी के दर्शन कराते हैं। लाइव दर्शन है, ताज़ा अपडेट है, उतनी भीड़ नहीं है। रेलवे स्टेशन पे भी देखा जा रहा है तो उतने श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं जितने अभी पीछे आ रहे थे। शायद इस वजह से चार धाम का जो रजिस्ट्रेशन है वो फुल हो चुका है। तो जो चार धाम पे यात्री आने वाले थे तो काफ़ी लोग हरिद्वार रुकते हैं, हरिद्वार नहा के जो अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। तो शायद चार धाम यात्रा जो है अभी जो है रजिस्ट्रेशन फुल होने की वजह से मुझे लगता है शायद श्रद्धालु बहुत कम है। तो बस स्टैंड से भी उतने श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, बसें फुल नहीं चल रही हैं। बाकी डुबकी लगाने वालों की कमी नहीं है। और देखिए हर घाट पे देखिए लोग नहा रहे हैं, हर की पौड़ी है और यहाँ पे जो है लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं, ऊँची ऊँची छलांगें मार मार के। अभी फ़िलहाल आप जैसा कि देख सकते हैं, मतलब उतनी भीड़ हरिद्वार हर की पैड़ी पर नहीं है। पार्किंग वगैरह भी खाली है और लोग अभी जो है बहुत कम आ रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं आ रही। मौसम ठीक है, धूप तेज़ है, अभी कल या परसों बारिश भी हुई है हर की पैड़ी में और तूफान भी चला है, लेकिन आज फ़िलहाल मौसम साफ़ है और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और नहाते वक्त थोड़ा ध्यान दें, ग्रिल के उस पार ना जाए। और जंजीरें हैं, जंजीरें पकड़ के नहाए। काफ़ी लोग देखा अभी हमने डुबकी लगा रहे थे, ऊपर से छलांगे लगा रहे थे, तो इस तरह का रिस्क ना लें, ठीक है। और जो है जंजीर के जो ग्रिल लगी हुई, ग्रिल के साथ देखिए श्री गंगा मंदिर है यहाँ पे, और उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन इतनी तेज़ गर्मी में जो है और गंगा जी के शीतल जल में नहाने का मज़ा कुछ और है। देखिए किस तरह जंजीर पकड़ कर जो है लोग बहाव से, इतनी तेज़ बहाव में अपने आप को रोका हुआ है। और खैर इस तरह के ये जो मतलब ये करते हैं इन्हें एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना करें, अपना सेफ तरीके से आप जो है नहाएं घाट पे। और ये देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हर की पैड़ी के पास, देखिए यहाँ पे अब उतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले आ रही थी। ये देखिए पूरा खाली खाली सा है, देखिए आप। और ये जो है अभी ताज़ा वीडियो है और आज गर्मी बहुत है तो शायद गर्मी की वजह से भी यहाँ लोग नहीं आए हैं। देखिए यहाँ घाटों पर किस तरह अपना सामान वगैरह पैक करते हैं लोग, सब रखते हुए गंगा जल की बोतलें बहुत अच्छी हैं सब में। मौसम साफ है, धूप तेज़ है। ये देखिए अस्थि प्रभाव घाट, यहाँ पे जो है अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। वाल्मीकि जी का एक मंदिर भी है यहाँ पे जो कि बेहद खूबसूरत मंदिर है। बाज़ारों में भी उतनी भीड़ नहीं थी, अभी हम बाज़ार में भी गए थे हरिद्वार तो, लेकिन बाज़ारों में भी हमें कुछ खास भीड़ दिखाई नहीं दी। और ऐसा शायद इसलिए ही हो रहा है कि ये जो चार धाम यात्रा अभी जो श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो इस वजह से भी जो भीड़ बहुत कम हुई है। भागीरथी सेतु के पास देखिए, यहाँ पे गंगा घाटों पर नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, ठीक है, इस तरह की एक चेतावनी लिखी हुई है और ये बिल्कुल सही बात भी है। आप किसी पावन स्थान पर, पावन जगह पर ये सब हरकतें यहाँ ना करें, आस्था की डुबकी लगाएं। देखिए चोटी वाला जो रेस्टोरेंट आप सभी जानते हैं जो बहुत फेमस है, नाई घाट है ये, नाई घाट है। और यहाँ पर भी देखिए भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए ये गंगा मंदिर है, यहाँ आरती स्थान है, यहीं पर जो है गंगा जी की आरती की जाती है। और यहाँ पे भी देखिए एक दो चार श्रद्धालु हैं जो नहा रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं है फिलहाल अभी और ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही लोगों को, अपना आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो एक बार लगा रहे हैं वो फिर उसका बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा है। लोग एक डेढ़ घंटे तक भाई इसमें डुबकी लगा रहे हैं और सही में शीतल जल है, गंगा के जल का आनंद ही कुछ और है। और हरिद्वार से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल रोड पे भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, रोड भी खाली थे, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है। वरना वो जो आपका ऋषिकेश वाला जो रोड है बीचों तरफ बहुत जाम लग जाता है। देखिए श्री गंगा मंदिर और यहाँ पे शूज़ पहन कर अलाउड नहीं है, आपको जूता चप्पल उतार के ही घाट पर जाना होता है, ठीक है। और ये भी नया बना है यहाँ पे घाट,
जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। जब महाकुंभ मेला लगा था उसमें जो है हरिद्वार को जिस तरीके से सजाया गया था वो रौनक आज तक आज भी हरिद्वार में देखी जा सकती है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना आप पैर धो के और आगे की तरफ लोग इस पानी से निकलते हैं। देखिए मैं आपको ऊपर का दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखिए आप घाटों पे उतनी भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो बैठे हुए हैं और कुछ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए वरना इतनी भीड़ थी अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में कि मतलब आप सोचेंगे भी नहीं, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन अचानक से जो है वो भीड़ कम हो गई है। गर्मी का भी कुछ कारण है क्योंकि गर्मी तेज़ पड़ रही है और चार धाम यात्रा में भी कुछ बाधा आने की वजह से और रजिस्ट्रेशन फुल होने के कारण ऐसा कुछ लग रहा है कि अब जो है श्रद्धालु हर की पैड़ी पर कम आ रहे हैं। और अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल जो है आप मैं कहूँगा ऑनलाइन बुकिंग मत करिए, आप ऑनलाइन में थोड़ा महंगा है और यहाँ पे होटल्स खाली है। धर्मशाला लेंगे आपको तो 300 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगी और होटल लेंगे तो आपको हर की पैड़ी के पास नियर बाय आपको 500 रुपये में एक अच्छा होटल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। पॉलीथीन का प्रयोग ना करिए। देखिए इस तरह के ट्रैक्टर और ट्रॉली और काम करते हैं जो कि पॉलीथीन्स को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि पॉलीथीन्स जो है गंगा में जाती हैं। तो आप भी कुछ हेल्प करिए, सारा काम सरकार का नहीं होता है, कुछ आप लोगों का भी होता है। तो इस तरह की जो प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं आप घाटों पर छोड़ कर ना जाएँ और हो सके तो इनका इस्तेमाल ना करें। घाटों पर युवाओं में एक अलग ही जोश है नहाते हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं और घाट पर ये गाय आगे इनको भगाने का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है। तो अभी देखिए अभी संडे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना खाली रहेगा हर की पैड़ी और जिस तरह पहले भीड़ थी उस तरह यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो ये हरिद्वार का हर की पैड़ी का आज का ताज़ा दृश्य जो आप लोगों ने देखा और भीड़ नहीं थी। और अगर आप हर की पैड़ी आना चाहते हैं तो आप आइए और आस्था की डुबकी लगाइए और गर्मियों में तो गंगा जी में स्नान करने का एक अपना अलग ही आनंद है। और यहाँ पे देखिए युवा आए जो थोड़े मस्ती करते हुए यहाँ पे थोड़ा आपस में जो है हंसी मजाक चल रहा है। बाकी अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो हर की पैड़ी का, किसी होटल किसी धर्मशाला या किसी और भी तरह की जानकारी आपको हर की पैड़ी या हरिद्वार की चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।